टुडे आई एम गोइंग टू मेक पाव भाजी। पाव भाजी हम अपने सिंपल स्टाइल में बनाएंगे। हमने लिया है 2 कैप्सिकम लिए हैं, मटर लिया है ये 1 बाउल भर के, 4 टमाटर लिए हैं, 3 ऑनियन और उसमें लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक 2 हरी मिर्ची इतना सा टुकड़ा अदरक का और लहसुन 1 पूरी पुड़ी लेके उसको इस जार में क्रश कर लिया, करके रख लिया। अब हमने बॉइल्ड वेजिटेबल लिए, बॉइल्ड पोटैटो 3 लिए हैं और 3 ही गाजर लिए, ये भी उबली हुई है। इसका पानी हमने रखा है जो वेजिटेबल स्टॉक की तरह काम आएगा इफ नीडेड, अगर गाढ़ा हो जाते भाजी तो। थोड़ा नमक, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, बेसिक मसाले लाल मिर्ची, हल्दी, ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे लाल मिर्ची। पाव भाजी मसाला इज़ द बेसिक इन्ग्रीडियंट, पाव भाजी मसाला हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। बटर हमने 100 ग्राम्स लिया है, ये करीब पूरा ही काम आ जाएगा हमारा। और बेसिक एक इसमें इंग्रेडिएंट है कस्तूरी मेथी। अब इसमें मैं मटर ऐड कर देती हूँ और थोड़े से इनको सौते कर लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मटर हल्के सॉफ्ट हो गए, अब हम इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने ये आलू और गाजर जो उबाले थे उनको मैश कर लिया है अच्छे से और इसमें डाल देते हैं। गैस को मैं धीरे कर देती हूँ, मिक्स कर लेते हैं देंगे थोड़ी सी। उससे पहले मैं इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून कह रहा हूँ, और काफ़ी सारा नमक ऐड कर रही हूँ। बटर में भी नमक होता है उसके हिसाब से हम डालेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डालें, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अब 1 बड़ा टीस्पून इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करके इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर थोड़ी हाथ की मशक्कत करके हमें इसे मैश करना है। ये काफ़ी मैश हो गया है, इसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। थोड़ा टमाटर को स्टीम दे देते हैं 5 मिनट्स मोर। क्या करेंगे, इसी में ही देख सकते हैं आप थोड़ी सी जगह बना लेंगे और यहाँ पे बटर ऐड करेंगे और ये थोड़े बटर में हम पाव सेकेंगे। बटर मेल्ट हो गया है, इसमें मैं ऊपर से पहले लहसुन और ये डाल दी हूँ। थोड़ा सा इनको भूनने देते हैं, फ्लेम हमने तेज कर रखी है अभी इस समय। मिक्स होने के लिए पहले हम इसमें और बची हुई कस्तूरी मेथी ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून हम और इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर रहे हैं। भाजी की खुशबू आने लगी है हल्की हल्की। अब हम, अगर इसे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैंने जो वेजिटेबल स्टॉक रखा था थोड़ा सा उसको मिला के, थोड़ा सा उसको मिला देती हूँ आधा कप और स्टीम दे देती हूँ जिससे ये लगेगा भी नहीं नीचे से और एकदम अच्छे से ये पेस्ट बन जाए तब तक इसको हमें स्टीम देनी है। ये समझ लीजिए आप, अब इसको 10 मिनट इस पर छोड़ेंगे हम। एडिंग हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स। दिस भाजी इज रेडी प्रॉपरली, एकदम अच्छे से मैश हो गई है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम।
बीच में से इसे कट कर लेते हैं। बटर डाल दिया है मैंने इसमें पाव के हिसाब से, थोड़ा सा इसे रोल करते हैं और थोड़ा सा इधर, और हम इसको धीमी आँच पे करारा होने तक सेकेंगे इस पलटे की मदद से। एकदम करारा हो गया है, देखिए हम पीछे से भी एकदम अच्छे से सिक गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गार्निश कर रहे हैं इसको हम स्प्रिंग अनियन से और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। नाउ दिस भाजी इज रेडी।